हेलो अस्सलाम वालेकुम, यस आई एम हिना अहमद, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बच्चों के साथ जो है ना लाहौर में ट्विंटल मार्केट है, जहाँ पे आप अपने लिए पेट्स वगैरह ले सकते हैं, हर तरह के पेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों को बहुत शौक रहता है कि जर्मन शेफर्ड जो है या लेब्राडोर जो है वो लेना है। और वोकेशंस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का अरेंज करना होता है कि इनका जो है अच्छे से जो है ना टाइम भी पास होता रहे, साथ साथ एजुकेशन भी फोकस होता रहे। तो फिर यहाँ पर ये विज़िट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेट्स देखे हैं और ऑल ओवर जो है इंजॉय किया है। और ये जो है पेट इनको जर्मन शेफर्ड का बेबी था, ये था जो पपी, इसका था प्राइस जो है 35,000 थे। और इस तरह के ही और थे, लेकिन इनका जो है ज़्यादा माइंड जो था वो था जर्मन शेफर्ड या फिर लेब्राडोर की तरफ। और इस तरह से जो है यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया और अपने लिए पेट भी लिया। फिर आके से इन्होंने और भी इंजॉय किया और भी जो थे वहाँ पर मार्केट में विज़िट किया और पेट्स देखे। और इसको जो है एंड में हमने ले ही लिया था घर के लिए। सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको ये कैसे लग रहे हैं और क्या कहते हैं, इसकी वैक्सीनेशन भी थी, ठीक है। ये सब लोग जो ये जितने भी डॉग थे वो सब वैक्सीनेटेड थे, और वैक्सीनेशन जो है वो करवानी होती है अगर हमने घर में पेट रखना होता है तो। लाजमी तौर पे हमें जो है इसकी वैक्सीनेशन करवानी होती है। कैट्स भी थे, पर्सनली मुझे कैट्स वैसे तो अच्छी लगती हैं दूर से, पर जब घर में रखते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, आई थिंक मोर देन अ डॉग। और सो आई होप आपको भी ये अच्छे लग रहे होंगे, मे बी जिनको शौक होगा उसके उनके लिए, क्योंकि सब मुस्लिम जो हैं फैमिलीज वो ये कहते हैं कि इसे फरिश्ते दूर जाते हैं। एनीवेज बस बच्चों का शौक है तो घर के बाहर ही बांध है या रखेंगे तो छत पर इसको देखेंगे। अभी ये बहुत छोटा सा है, तो फिर हम थोड़ा सा और विज़िट कर रहे थे। और जर्मन शेफर्ड तो जो बड़े बोले थे वो तो अपने पास ही नहीं आने दे रहे थे, और बड़े क्यूट से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे ये क्यूट से पपी किटीज़। और ये कैटीज़ बड़ी ब्यूटीफुल थी और बहुत ज़्यादा आगे कुछ ऐसी वीडियो शॉप्स थी यहाँ पर, बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। और इसके बारे में वो हमें बता रहे थे कि जो ब्लैक है और ब्राउन है लेब्रे, इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा कम मिलता है, और हमें एक गोल्डन से शेड में, स्किन से शेड में जो है वो हमें अक्सर अवेलेबल हो जाता है इजीली। तो इनकी जो है ब्रीड जो है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है, और बहुत अच्छी ज़बरदस्त यानी कि इसका था इसकी जो ब्रीड है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, और लग भी बहुत अच्छे रहे थे। और देख लें आप मेरे बच्चे जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं डॉग से डरते, डॉग इनका बहुत फेवरेट रहा है। पहले भी हमने डॉग जो है वो घर में दिया था तो काफ़ी देर रखा, लेकिन उसकी जो है वो बीमार हो गया था तो फिर वो हमने वैसे किसी को दे दिया। सो फिर पैरट्स की तरफ आ गए हैं, तो ये देख लें ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं। ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, इसके इनका जो पेयर था वो 800 के अराउंड अबाउट मिल रहा था। सो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे हैं। और पैरट्स जो है हमने ऑलरेडी जो है अपने घर में रखे हैं, इनको गिफ्ट मिला था। और पेट्स तो बच्चों के आपको पता ही है फेवरेट ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो आप लोग इसके साथ साथ इस वीडियो को एंजॉय करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।